कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए यह वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया। इसके बाद से राजनीति में मानो भूचाल सा गया। बताते चले, अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने ये कार्रवाई की। अब दोष साबित होने के बाद किसी जनप्रतिनिधि के ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसमें 8(3) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। इस कानून यानी धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है, अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। याचिका में कहा गया, लिली थॉमस मामले में आए फैसले का राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही राजनीति के कई बड़े चेहरे राहुल गांधी के साथ आए। बता दें, लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर राहुल गांधी को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना का भी साथ मिला। उन्होंने इस फैसले को गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात करार दिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी के ये फैसला वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी की वजह से दोषी करार दिया। वही सारे मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी के समर्थन में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, के चंद्रशेखर राव से लेकर हर विपक्षी नेता ने सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना करते हुए राहुल के प्रति अपना समर्थन दिखाया। इन चारों के बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक इन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की रणनीति अपनाई थी। इन नेताओं ने जिस मुखरता के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर शाब्दिक हमला बोला है वो कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के एक होने का वक्त आ गया है। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा, अभूतपूर्व होने के साथ ही चौंकाने वाला भी है। उन्होंने मोदी को देश के इतिहास का सबसे भ्रष्ट और 12वीं पास प्रधानमंत्री भी कह दिया। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। बता दें, बीती दिनों कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। मनीष सिसोदिया जेल में गए तो वहीं पर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। निम्न जॉब न ले रहा हण केलवरे केलवरे होगा कैलसा आगता है और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी लोग उठा के भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 35,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಪ್ಕೆ ಜೇಬ್ ಸೇ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ಉಸ್ಕಿ ಜೇಬ್ ಮೇ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚಾ ಏಕ್ ಛೋಟಾ ಸಾ ಸವಾಲ್ ಇನ್ ಸಬ್ಕೆ ನಾಮ್ ಇನ್ ಸಬ್ ಚೋರೋ ಕೆ ನಾಮ್ ಮೋದಿ 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 ಕೈಸೆ ಹೈ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ